हेलो एवरीवन, इट्स संडे मॉर्निंग और मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा है कि आज मैं बनाती हूँ पोहा, जिसे कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे के लिए टमाटर और प्याज को फ्राई होने रख दिया है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैंने ये पोहा को भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोहा है ये मैंने ख़रीदा है, GM फूड्स का पोहा मिक्स है। खट्टा मीठा फ्लेवर है और साथ में इसके पाउच आता है, इसमें सभी मसाले रहते हैं। जब तक प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं मैंने सोचा फ्रिज में से कुछ फ्रूट्स ही कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पड़ा है मेलन और यहाँ पे मैंने इस खरबूजे को निकाल के बस कट करना है, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे सुबह सुबह फ्रूट्स खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो वैसे भी खुद को भी वैरायटी मिल जाती है और गर्मियों में जितना हो सके उतना वाटरी फ्रूट तो हमें खाना ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए अब फ्रिज को बंद कर देते हैं और बस इस फ्रूट की कटिंग करेंगे। लेकिन पहले मैं इसमें मिक्स जो है वो ऐड कर दूँ टमाटर और प्याज में। बस ये मैंने मिक्स ऐड कर दिया और इसको मिक्स को मिक्स करना है। थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे मुझे पानी डाल लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के सेट हो जाएगा एंड टाना, पोहा इज रेडी। पोहा हो चुका है रेडी और अभी मैंने कर लेना है खरबूजे को कट। आ भाई खरबूजे, अरे टोकरी तुझे क्या हुआ, बैठ जा यहाँ पे। ओके चलो, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे नहीं है बस वैसे ही टाइम पास है ये। ओके तो चलो बस खरबूजा कटिंग सेरेमनी का क्या देखना है, ये बस मैंने कट ही कर दिया। अभी बस जाकर देखते हैं रेहानू और पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो काम है वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया है। तो चलो देखते हैं। पंखा नीचे, बेबी सोते सोते, खा लो बेटा, खा लो बेटा, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना, हम तुम्हारे मामा हैं। मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा बंजा, मामा हो गया दंजा। वेरी गुड, क्लैपिंग। अरे हनु तुम छोड़ दो, हां जी छोड़ दो, हां जी किथे छोड़ दो, किथे इथे किथे। अब बस रेहानू की मस्तियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। वो पापा को बोल रहा है कि मुझे ऊपर चढ़ना है और पापा उसको इनकरेज कर रहे हैं कि जा भाई तू खुद ही चढ़। और देखो ये इनकरेजमेंट का हाल, देखो खुद ही उसके ऊपर पैर रख के चढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चों की फादर के साथ क्यों ज़्यादा बनती है, क्योंकि फादर्स उनको हमेशा इनकरेज करते हैं ऐसा काम कुछ ना कुछ करने के लिए। देखो 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 अभी भी जाएगा, हाँ इज जस्ट के सनी बोल रहे कि बस एक बार ट्राई कर, लास्ट टाइम एक बार ट्राई कर। और वो भी गया वन फाइनल ट्राई देने के लिए। अब फिर बोलेगा, उसको दिख रहा है ना कि पापा सपोर्टिंग हैंड है पीछे, तो खुद मेहनत क्या ही करनी है। बस बस देखो एनकरेज हो रहा है बस खुद चढ़ने के लिए, ही इज ट्राइंग हार्ड। अब पापा की हेल्प तो फिर से लेनी ही पड़ेगी। और ये गया रेहानू ऊपर, अब इसका यहाँ चढ़ के भी इसको यहाँ पे आनंद मिलने वाला थोड़ी ना, अब थोड़ी और ऊंचाइयों को छुएंगे। ये देखो ग्रिलर के ऊपर ना चढ़ के ये और ऊपर जाएगा। देखो बस यही काम है रेहानू के, ये नहीं टिक रहा और खुश हो रहा है कि बस मुझे अब इसके भी ऊपर चढ़ना है। लो चढ़ गए, मिली खुशी। अब देखो अब नीचे ना आए पापा सुपर हीरो बन के बचाने कि कहीं गिर ना जाए। अब देखो फिर से शरारत कर रहा है कि मुझे चढ़ना तो है ही ऊपर, अभी हार मानने वाला तो है नहीं। और पापा इतने खुश हैं उसकी अचीवमेंट से। ये लो जी बैठ गए महाराज जी यहाँ पर। सी बच्चों में इतनी क्यूरियोसिटी है ना, सही है बस इसी तरह से आगे से आगे। अब ये सिर में लगाए इसके कुछ, अब बोलेगा मुझे नीचे उतारो। ही इज़ रिक्वेस्टिंग पापा कि पापा प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, बुला रहा है अभी। यस चलो अब ये देखो लीप ऑफ फेथ, आ हा 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 हा, ही जस्ट एन्जॉयज हिज टाइम अलॉट विद पापा, क्योंकि इनकी ये मस्तियाँ जो है इसी तरह से चलती रहती है।
चलो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में।